अदब नाज़रीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। खिदमतों को शर्फ कबूलियत से नवाज दे। इन नौजवानों के सीनों में मालिक वाला अपने पीर से गिरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत पूरी हुई। आकाए कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में इन सब को सेहत अता फरमा, सलामती अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। इस महल्ले में जितने भी ईमान वाले मौला फरमा उनको सलामती अता फरमा। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में बच्चों का खतना हो रहा सुनत इब्राहिम में होने वाले गुलों बच्चों को भी सेहत सलामती अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में उनके वालिदैन को भी सेहत सलामती अता फरमा। आकाए कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बच्चों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रहमतिया ताजु शरिया कमेटी की जानिब से रहमतिया मस्जिद के करीब शांति नगर में नौजवानों ने बेड़ा उठाया है और इसकी सरपरस्ती सुन्नी जमीयतुल उलमा कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो नौजवान हैं, रहमतिया ताजु शरिया कमेटी के नौजवान, बड़े फ़ाल किरदार नौजवान हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि तमाम शहर के महलों में ऐसे नौजवानों में एक बेदारी होनी चाहिए जो यहाँ पर रहमतिया ताजु शरिया कमेटी के नौजवानों में है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमीयतुल उलमा की सरपरस्ती में ये लोग यहाँ पे कार्रवाइयाँ करते आए हैं। कितने साल से हुए? तकरीबन 8-10 साल से यहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ऐसे फलाही कामों का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने बुलाया है कौम की रहनुमाई के लिए, एक अच्छे पैगाम के लिए। हुजूर गुलजार मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं, बरेली शरीफ से हुजूर तौसीफ मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं, इसके सदर कौन है? मौलाना आफ्ताब साहब तशरीफ ला चुके हैं और मौलाना बदर रजा साहब नवाज है, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ ला चुके हैं। बड़ी हस्तियां यहाँ पे तशरीफ ला चुकी हैं। इसके अलावा भी ये नौजवान अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक इज्तिमा भी किया यहाँ पे, सुन्नी इज्तिमा, और 3 बजे से मगरिब इशा तक इज्तिमा रहा, वह काफ़ी हद तक कामयाब रहा। तो रहमतिया ताजु शरिया मूवमेंट कमेटी वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमीयतुल उलमा का हमेशा साथ लेकर के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और आज मुफ्ती सज्जाद साहब फिल्ला भी तशरीफ लाए हैं, इनकी सदारत है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 बच्चों की यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी का इन्होंने बेड़ा उठाया, पहला प्रोग्राम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 12 का इन्होंने प्रोग्राम किया, दो बच्चे और बढ़ गए, 14 हो गए। आज पीर का दिन, चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का भी दिन है और आज चांद रात भी है, 29 शाबान भी है, इस मुकद्दस दिन और इस मुकद्दस विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इन्होंने गरीबों की इमदाद के लिए ये कदम उठाया, ये काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह इन नौजवानों में बहुत जज्बा है और ये उलमा का साथ सुन्नी जमीयत उलमा का लेके काम कर रहे हैं, और मैं इनके लिए मुबारकबाद दूंगा और इनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए। और इन्होंने डॉक्टर मुदस्सिर साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है ऐसे कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, गुरबा की इनके लिए बहुत दुआएँ हैं। डॉक्टर मुदस्सिर साहब भी हमारे एक फ़ोन पर जो है वो तशरीफ़ ले आए हैं। 12 बच्चों की यहाँ पर जो है सुन्नत इब्राहिमी की जा रही है, और इन्होंने सबसे अहम बात यह भी है कि इन्होंने किसी से एक रुपया चंदा भी नहीं लिया है। ये नौजवान जो है बेचारे मजदूरी है वो काम करते हैं, अपने ही पैसों से इन्होंने ये बेड़ा उठाया है, बहुत अच्छा काम ये अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। सदर कौन है? सदर हजरत मौलाना इमरान रजा सुल्तानी साहब हैं, ये नौजवानों की कमेटी के, अहमदिया ताजु शरिया कमेटी के, मूवमेंट के कमेटी के सदर हजरत मौलाना इमरान सुल्तानी साहब। कमेटी के ताल्लुक से दो बात बताएं। कमेटी के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सालों से दीनी और मिली खिदमत हो रहे हैं, और जो भी काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्तादी के इरादे, उस्ताद उलमा मुनाजिर सुन्नत मुफ्ती सज्जाद हुसैन साहब की सदारत और सरपरस्ती में होता है, और ये उलमा भी हमेशा हमारा साथ देते आ रहे हैं, और उम्मीद भी है कि उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर इनका साया रहेगा हर काम के लिए। बस ये नौजवान हमारे से तकरीबन 10-11 साल से जुड़े हुए हैं, खिदमतें कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी खिदमत करेंगे। और ये एक छोटा काम है, इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा करने की हम कोशिश कर रहे हैं उलमा कराम की सरपरस्ती में, खुसूसी तौर पर सुन्नी जमीयत उलमा की सरपरस्ती में यहाँ के हर काम। मुफ्ती खिदमत तशरीफ ला चुके हैं, उन्हीं की दुआओं से ही हो रहा है सिलसिला आपका, तो ये चल रहा है आज। यहाँ जो कमेटी वाले यहाँ के इंतजाम वगैरह के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और सुन्नत इब्राहिमी की अफादियत को लेकर यहाँ जो मुआलिद हैं इन्होंने उनको क्या कहना चाहेंगे? हमने इंस्ट्रक्शन पूरा फॉलो करने का सब बोलते हैं, जैसे कि पट्टी निकालने का, फोटो डालने का सब बोलते हैं, पूरा हमें काम करेगा। एक खतना का प्रोसेस कितना टाइम लगता है? 2 या 3 मिनट लगता है। 2 या 3 मिनट बस, बहुत बड़ी बात कही। तो इसमें उम्र का क्या कोई खैद है? वैसे क्या उम्र का क्या खैद नहीं, कितनी उम्र से कितनी उम्र तक? 4 साल के ऊपर से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब।